फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीना शेखर ऑफिशियल। आज है छठ पूजा का नहाए खाए और ये देखिए मेरे घर में सारा चीज़ का तैयारी हो चुका है और हम लोग तैयारी कर चुके हैं। और मेरा छोटा भाई और मेरे हस्बैंड मिलके सारा डेकोरेशन कंप्लीट कर दिए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मैं नहा धो ली हूँ सारा कपड़ा वगैरह धो करके, और ये देखिए साफ़ सफाई चल रहा है। और अब हम लोग दही चूड़ा खाएंगे, इसके बाद शाम में यहाँ का परंपरा है कि नहाए खाए होता है। देखिए शाम हो गई है और खाना वगैरह बन रहा है, क्योंकि आज सब कोई को खिलाएंगे। तो देखिए क्या क्या हो रहा है तैयारी सारा। ये पटल का सब्जी बन रहा है, देखने में एकदम मस्त लग रहा है। ये मेरा छोटा सा फार्म हाउस और यहीं पे खाना बनवा रहे हैं। और ये देखिए इधर गप सप चालू है। देखो गई है और कद्दूका भात बन रहा है मेरे यहाँ। तो हम लोग के यहाँ शाम में ही मनाया जाता है, ऐसा परंपरा है यहाँ का। तो सारा चीज़ तैयारी वगैरह सब चीज़ हो गया है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए।
डग्गू कैसे खाएगा तुम? कैसे खाएगा? अच्छा देखिए घर में सारे गेस्ट सब आ चुके हैं और सभी को प्रसाद खिलाया जा रहा है। हाँ बाबू देखिए सारा चीज को बांट रही है, उसको सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। देवर बैठा हुआ है मेरे पास और हम दोनों गप्पे कर रहे हैं कि मिलिए, आज पहली बार इनसे आप लोगों को मुलाकात करवा रहे हैं। ये मेरा सबसे छोटा देवर है। हेलो फ्रेंड्स, काफी रात हो गई है और नहाए खाए के साथ ये पावन पर्व आरंभ हो चुका है और कद्दूआ भात आज बहुत अच्छे तरीके से बन गया। और क्या बताऊं, कल मॉर्निंग में कल हम लोगों को फिर उठना है जल्दी से और सारा तैयारी करना है खरना का। तो अभी थोड़ा सा मेहंदी वगैरह सिस्टर से लगवाऊंगी, तो रात भी हो गई है काफी, तो अब सोने के लिए चलती हूँ। तो ये ब्लॉग कद्दूआ भात का यही एंड होता है, मिलते हैं खरना का ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।